नमस्कार दर्शकों, मैं अशरफ खान और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज सर्विस। दर्शकों, गुजरात में विधानसभा के चुनाव को लेकर सूरत शहर में एक राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता के जाने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह के जाने के बाद माइनॉरिटी सेल के नेताओं ने माइनॉरिटी को उकसाना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं एक माइनॉरिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। 9 नवंबर 2017 इरफान अहमद और हैदर आजम, जो मुंबई भाजपा अध्यक्ष हैं और माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, उनका सूरत जीडी खाली नाना हुआ और उन्होंने कोशिश की किस तरीके से कार्यकर्ताओं को और स्पेसिफिकली माइनॉरिटी नेताओं को एक तरीके से एक किया जाए और भाजपा की कार्यशैली को सूरत शहर में मजबूत करने की कोशिश की जाए। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अहमद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारा लघुमती मोर्चा है, उसका राष्ट्रीय उपप्रमुख हूँ और हम पिछले एक हफ्ते से लगातार भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग के लिए मैं दिल्ली से आया हूँ। और हमारा, क्योंकि ये इधर का जो बॉर्डर है वो महाराष्ट्र से लगता है, तो हमारे जो मुंबई का लघुमती मोर्चा है उसको हमने इस वाले पार्ट की दक्षिणी गुजरात की जिम्मेदारी दी है। जो उत्तर गुजरात है वहाँ से उसके बगल में राजस्थान लगता है, तो वहाँ पर राजस्थान लघुमती मोर्चे की जिम्मेदारी है। और जो ये वाला साइड है आपका, जिधर गोधरा वगैरह की जो साइड है, वहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के लघुमती मोर्चा को जिम्मेदारी दी। तो इस तरीके से हमने चार भागों में बांटकर अपने लघुमती मोर्चे को अलग अलग क्षेत्र की, जो उनके नज़दीक भी है और वहाँ के उस बॉर्डर के हिसाब से वहाँ का उनका कल्चर और संस्कृति भी एक सी मिलती जुलती है, तो आकर बहुत अच्छे तरीके से उनमें घुल मिलकर हमारा काम आगे पार्टी का बढ़ा रहे हैं। और मैं अभी पहले फेस में सूरत में यहाँ पर आया हूँ। हमारे यहाँ की 16 सीटों के जो इंचार्ज हैं, जो हमारे एडवोकेट आशीष सेलार साहब, जो मुंबई भाजपा के प्रमुख हैं और आमदार हैं, वहाँ के धारा सभ्य हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो उनको साथ ही हम कोऑर्डिनेट करने के लिए सूरत की 16 सीटों पर हम लगातार, जो हमारा लघुमती का एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी में लघुमती के हमारे मतदार हैं, उनके यहाँ जाकर हम डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी गुजरात का जो एक गुजरात गौरव महासंपर्क का अभियान 7 से लेकर 12 तारीख तक चल रहा है, उसमें लगातार मैं लघुमती के जो हमारे मतदार हैं उनके घरों पर लगातार जाकर हम उसमें काम कर रहे हैं। अभी हम 3-4 जो विधानसभा है उसको ज़्यादा हमने फोकस किया हुआ है। लिंबायत है आपका, पूर्वी सूरत है, पश्चिमी सूरत है, उधना है, ऐसे 5-6 जो है जहाँ पर अपने लघुमती का ज़्यादा विस्तार है, वहाँ पर हम ज़्यादा डोर टू डोर कैंपेनिंग पर साथ दे रहे हैं। लेकिन मेरे को खुशी की बात यह है कि मेरे को अभी तक किसी भी, जो हमारा समाज है लघुमती का समाज है, किसी ने भी हमारी कोई सरकार की कोई शिकायत नहीं की, किसी अपने धारा सभ्य की शिकायत नहीं की, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं, उनकी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। जो हमारे दोनों एमपी हैं, एक साइड में इधर अपने दर्शना बहन जरदोश जी हैं, उनके बारे में सबकी अच्छी राय है कि वो सबके साथ घूमती हैं, मिलती हैं, सबके साथ काम करती हैं। और उस साइड में हमारे CR पाटिल साहब हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके बारे में भी सबकी ये राय थी कि हम कभी भी किसी भी टाइम उनको टेलीफोन करते हैं या उनके कार्यालय, उनका कार्यालय मैं देखकर जो है बहुत मेरे को खुशी हुई कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यालय जो एकदम ISO सर्टिफाइड है, यहाँ पर एक नॉर्म्स जो एक इंडिया है पूरे इंटरनेशनली कार्यालय का होता है, वो उन्होंने उसमें अपनाया हुआ है और वो ISO सर्टिफाइड है। ऐसा एक शानदार कार्यालय चलाने वाले CR पाटिल साहब, जो लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं और ख़ास तरीके से जो लघुमती का हमारा समाज है उसके लगातार जो है वो दुख में सुख में उनके कामों में काम आते हैं। कहीं भी उनकी कहीं एंटी इनकम्बेंसी, मेरे को एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला किसी ने उनकी शिकायत की। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले यहाँ 9 तारीख में और दूसरे फेज के 14 तारीख में बहुत ज़ोरदार तरीके से जो 150+ का हमारा मिशन है उसमें कामयाब होने वाली है। और मैंने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा है, जगह जगह वहाँ पर घूम के देखा है। सारे गुजरात में अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की लहर है तो पिछले चुनाव से भी, 2012 के चुनाव से भी ज़्यादा बड़ी लहर है। और कहीं मीडिया में अगर ये परसेप्शन चलाया हुआ है तो गुजरात में हमारे, मतलब जो दूसरी अपोजिशन की पार्टी है वो आने वाली है, तो मेरे को कहीं भी एक कार्यकर्ता उनका मेरे को नज़र नहीं आया, कोई उनका कहीं उम्मीदवार का कोई भी किसी तरीके का संपर्क करता हुआ नज़र आया, तो सिर्फ मीडिया में या अखबारों में कहीं उनका परसेप्शन होगा। ग्राउंड जीरो पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं टिक रहा है और आने वाले चुनाव में 150 जो सीटों का हमारा एक अभियान चल रहा है वो हम जीतने वाले हैं और भारी मेजोरिटी में
यहाँ पर सरकार बनेगी, हमारे विजय रूपानी जी जो बहुत सिंपल और सोबर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अभी आपने देखा होगा मीडिया की कैंपेनिंग में भी उनको 35% के नंबर एक पर रखा गया, कहीं भी उसमें कोई अपोजिशन का पार्टी कहीं दौड़ में ही नहीं है, किसी के लिए 5% आ रहा है, किसी के लिए 6% आ रहा है, लेकिन हमारे विजय भाई रूपानी जी उनका 35% जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए नंबर एक पर वो आया हुआ है, बहुत अच्छे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस गुजरात की माटी के लाल, इस देश के प्रधानमंत्री पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के रहने वाले हैं, उनके जो 6 करोड़ गुजरातियों की वो उस टाइम मुख्यमंत्री से बात करते थे, सबका साथ और सबके विकास की बात करते थे, तो उनके नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहा है। अभी आज जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ, आप समझ लीजिए कि वहाँ पर 40-45 सीट भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हिमाचल में सरकार बनने वाली है। गुजरात में पिछले लगभग 23 साल से हमारी सरकार है और आगे भी रिटेन होने वाली है। अभी तक इस हिंदुस्तान के, इस भारत के 82% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया हुआ है, हमारी ये कोशिश है जो बचाव 18% है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा झंडा फहराए और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारें बने, ऐसा मेरे को विश्वास है। जी, मेरा नाम वसीम खान है, मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है मुंबई के एडवोकेट MLA आशीष शेलार साहब और मुंबई BJP के वाइस प्रेसिडेंट हाजी हैदर आजम साहब के नेतृत्व में यहाँ हमें काम करने का मौका मिला है। यहाँ आने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है, लोगों का जो हमारे खासकर हमारे समाज का जो सपोर्ट मिल रहा है, जो हमारे समाज का जो BJP के लिए जो उनका रवैया है उनको देखकर बहुत खुशी हो रही है। इस बार चुनाव तो कुछ अलग होने वाला नहीं है, हमारी सीटें और बढ़ने वाली हैं, लेकिन इस